तो वेलकम बैक। ये देख सकते हो बस स्टैंड यानी बस अड्डा, ये है पार्क। शाम के वक्त आप लोग व्यायाम कर सकते हैं, सुबह व्यायाम। वेलकम बैक एक और ब्लॉग में भैया, स्वागत हो चुका है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाई आज का ब्लॉग होने वाला है मुल्लानपुर शहर से। मुल्लानपुर यानी शहर जो आज मैं इसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ के जो प्रसिद्ध जगह है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम यहाँ के स्टेशन से। ये देख सकते हो मुल्लापुर स्टेशन, ये एक रेलवे स्टेशन से और इसका भी ये निर्माण हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है काफ़ी और काम चला हुआ है इस पर। आगे लेके चलूँगा, आप ये दिखाता हूँ मैं आप लोगों के क्या क्या काम हो रहा है यहाँ पे। तो ये देखो तीन भाषाओं में यहाँ पे लिखा हुआ है, पंजाबी और हिंदी एंड इंग्लिश। ये एक मुल्लापुर शहर है, मुल्लानपुर। और भाई मैं बताता हूँ आप लोग, अगर लुधियाना आते हो तो लुधियाना से आप लोगों को मुल्लापुर के लिए बस मिल जाएगी, बस अड्डे से। तो आप यहाँ आसानी से पहुँच सकते हो। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो भाई भी आप लोग लुधियाना के रेलवे स्टेशन से आप लोगों को यहाँ आने के लिए आपको ट्रेन मिलेगी। इस तरफ फिरोजपुर शहर है और इस तरफ लुधियाना शहर है। अगर स्टेशन की उस तरफ चलोगे तो भाई आपको लुधियाना शहर मिल जाएगा, अगर इस तरफ देखोगे तो आप लोगों को फिरोजपुर शहर मिलेगा। तो मैं लेके चलता हूँ आगे, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे यहाँ के शहर की, चलिए मेरे साथ। यह है रेलवे स्टेशन और इस तरह भी बनाया गया है, और ये यहाँ पर हो रहा है पुल का निर्माण। ये गाड़ी लिखी हुई है यहाँ पर, कौन कौन सी गाड़ी आती है दिखाता हूँ मैं आप लोग, चलिए। ये यहाँ पे गाड़ी आती है, यह है रेलवे स्टेशन। तो देख सकते हैं यहाँ पे पंखा लगा हुआ है भाई। जाता है रायकोट, यानी आप अगर लुधियाना से आ जाए तो आप रायकोट जा सकते हैं। और इस तरफ मार्केट भी लगी हुई है भाई, बाज़ार है। ये पुल जो सीधा जाता है फ्लाईओवर रायकोट, और ये बाज़ार है यहाँ का। बाज़ार में देखो भाई कितनी, अभी शाम का वक्त है और चलकर भी बहुत ज़्यादा है। तो ये यहाँ का बाज़ार है, कुछ बाज़ार में दुकानें और मार्केटें लगी हुई हैं, देख सकते हो भाई काफ़ी बड़ा बाज़ार है। जो आगे फ्लाईओवर देख रहे हो जाता है सीधा मोगा शहर में। ये अंडर पासिंग है, मुल्लानपुर शहर की अंडर पासिंग है, और ये बाज़ार लग रहा है यहाँ पे। ये देखो भाई बाज़ार भरा पड़ा है बाज़ार। तो आ चुके हैं फ्लाईओवर पे, और ये सीधा लुधियाना और मोगा का फ्लाईओवर है भाई। आप मोगा से जा सकते हो, अगर मोगा से आ रहे हो लुधियाना जा सकते हो, लुधियाना से आ रहे तो मोगा जा सकते हो। तो इस तरह पे भाई रायकोट का फ्लाईओवर, नीचे मार्केट देख सकते हो, बहुत बड़ी बाज़ार की मार्केट लगी हुई है। ये मुल्लानपुर शहर है, नीचे ये मुल्लानपुर का अड्डा है। यहाँ पर आप लोगों को खाने पीने का सामान, अगर आपका लोग खाने पीने के शौकीन है तो बहुत सारा सामान मिल जाएगा खाने पीने का। देखो सब्जियाँ मंडियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पर सब्जियाँ मिल सकती है, खाने पीने के फल फ्रूट मिल सकते हैं। और इस तरफ देख सकते हो भाई ये सारा शहर मुल्लानपुर है,
इस तरफ मुल्लानपुर शहर है और इस तरफ देखो कितनी और भरा पड़ा है बाजार। ये है बस स्टैंड मुल्लानपुर शहर का, न्यू बस स्टैंड बना हुआ है भाई। यहाँ से आप लोगों को बसें मिल जाएंगी और मुल्लानपुर शहर का बस स्टैंड न्यू बस स्टैंड है ये। ये देख सकते हो बस स्टैंड यानी बस अड्डा, और सारी लैंग्वेज में पंजाबी में लिखा हुआ है भाई। मुल्लानपुर शहर का बस स्टैंड है न्यू बस अड्डा। और जो भाई वो देखो वो सालों देखा मैंने, ये बस है, ये अंबेडकर भवन है भाई। तो ये है मुल्लानपुर शहर का भाई 4G नोवा सिनेमा। तो आप लोग अगर सिनेमा का एंजॉय कर सकते हो, फिल्में लगी हुई यहाँ पे देख सकते हो, गड्डी दी जान दी ए छलंगा मार दी, और आने वाली शायद 28 सितंबर को लगेगी, और अभी लगी हुई जवान भाई मूवी। आप लोग सिनेमा का एंजॉय कर सकते हो, वहाँ पे टिकट काउंटर है, टिकट मिलता है, और ये लगेगी 15 दिसंबर को यानी कल लगेगी। सिनेमा का एंजॉय कर सकते हो आप लोग। ये मार्केट लगी हुई है भाई देखो, फल फ्रूट की, और शाम का वक्त है, जाम लग चुका है, दुकानें आप लोगों को अपनी सुविधा का हर सामान मिलेगा। और अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को अनाज मंडी, तो अनाज मंडी इस तरफ है। तो ये अनाज मंडी है भाई यानी मुल्लानपुर शहर की। अभी आने वाला है धान यानी जीरी यानी चावल की, जो अभी कुछ दिनों में बदल जाएगी। ये पूरी अनाज मंडी है कनक, और यहाँ पर अभी खाली है लेकिन आने वाले 10-15 दिन में पूरी भर जाएगी धान से। ये है पार्क, शाम के वक्त आप लोग व्यायाम कर सकते हो, सुबह व्यायाम कर सकते हो, योगा कर सकते हो। ये देखो छोटी सी पार्क है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं बहुत अच्छे से, पानी की पाइप और झूले लगे हुए हैं। ये छोटी सी पार्क है, ये क्या कर रहा है बच्चा देखो भाई। ये है मुल्लानपुर शहर, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना यार मुझे कैसी लगी ये मुल्लानपुर शहर की। पूरी कोशिश की है इसको एक्सप्लोर करने की, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या क्या चीज़ें भाई प्रसिद्ध हैं, क्या क्या चीज़ें देखने लायक हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी लेकिन और भी कुछ दिखाएंगे, बने रहने मेरे साथ ब्लॉग में।